Hey guys, welcome back to my channel Bansal Biology. आज का जो ये वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में. मैंने ऑलरेडी लैक ऑपेरॉन के बारे में वीडियो अपलोड कर दी है तो आप उनका लेक्चर्स देख सकते हैं. आज का जो ये वीडियो है वो है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में. सो इफ यू स्टार्ट विद ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, वॉट इज ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बेसिकली इज इट इज अ ऑपेरॉन दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर इसको ऑपेरॉन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये मल्टी सिस्टरॉनिक होता है. मल्टी सिस्टरॉनिक का मतलब कि बहुत सारे जीन्स एक प्रमोटर के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं. वन प्रमोटर इज कंट्रोलिंग मैनी जीन्स. मतलब प्रमोटर मतलब क्या करेगा कि वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, यानी कि ये जो प्रमोटर है किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को. इट विल प्रमोट व्हाट, इट विल प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत सारे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा है कि उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा या उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. अगर हम बेसिकली ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में देखें तो यहाँ पर इधर क्या होता है, इधर कन्वर्जन किया जाता है कॉरसनिक एसिड का इंटू ट्रिप्टोफैन. इनका जो प्रोडक्ट है वो ट्रिप्टोफैन है, इसलिए वहीं से नाम आता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. बेसिकली इसमें होगा क्या, कॉरसनिक एसिड को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर एक प्रमोटर जो है वो पांच जीन्स को रेगुलेट कर रहा है जिसका नाम है ए बी सी डी ई. टोटल पांच जीन्स को रेगुलेट कर रहा है. प्रमोटर के साथ साथ एक ऑपरेटर रीजन भी होगा जो ऑपरेट करेगा, देखेगा कि प्रमोटर काम करेगा या नहीं करेगा. उसके बाद यहाँ पर एक टीआरपी रिप्रेसर प्रेजेंट होगा जो इस सब की एक्टिविटी को रिप्रेस करेगा और वो देखेगा कि ऑपेरॉन जो है अपना काम ना कर पाए. प्लस यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में एक और स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं टीआरपीएल, ट्रिप्टोफैन लीडर. इसको क्या बोलते हैं, लीडर सीक्वेंस बोलते हैं. और यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसी के अंदर एक अटैनुएटर, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है एक अटैनुएटर. ये भी टीआरपी रिप्रेसर के साथ मिलकर देखते हैं कि इस ऑपेरॉन को रेगुलेट करवाना है या नहीं करवाना है. अब अगर हम बहुत बेसिक सी चीज़ देखें तो इनिशियली क्या होता है, ये टीआरपी ऑपेरॉन क्या करेगा, टीआरपी रिप्रेसर एक प्रोटीन बनाएगा. ये जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन बनाएगा. और वो प्रोटीन कैसा होता है, वो प्रोटीन होता है रिप्रेसर प्रोटीन. बेसिकली इस रिप्रेसर प्रोटीन का काम होता है कि ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंडिंग करे. जब ये इससे जाके बाइंडिंग कर लेगा तो यहाँ पर प्रमोटर रीजन जो है उधर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा. अगर रिप्रेसर ने जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंडिंग कर ली तो आरएनए पॉल प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई बाइंडिंग नहीं होगी, नो बाइंडिंग. ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बाइंडिंग नहीं हुई तो इन सब जीन्स का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और उसका फिर ट्रांसलेशन ऑब्वियसली बात है नहीं हो पाएगा. लेकिन ये सब क्या होगा, ये सब सिर्फ इसलिए होगा अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड हुआ. अगर हम इनिशियल कंडीशन देखें, इफ़ वी स्टार्ट विद द इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन में ये सब नहीं हो पाता है. इनिशियल कंडीशन में ये जो रिप्रेसर है ये जाके बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर रीजन से. इट वोंट बी एबल टू बाइंड विथ ऑपरेटर. इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये जो रिप्रेसर अभी हम देख रहे हैं ये एज अ एपो रिप्रेसर है. एपो रिप्रेसर को कोई और मॉलिक्यूल चाहिए होता है उसके साथ, देन ओनली इट कैन वर्क, और अनटिल एंड अनलेस इट वोंट बी एबल टू वर्क. सो इट वोंट बी एबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर. ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से इन सभी जीन्स का क्या हो जाएगा, इन सभी जीन्स का हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से इन सभी जीन्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा. दे ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशन करके इनका प्रोटीन बन जाएगा. अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले आया कॉरसनिक एसिड, सबसे पहले क्या आया, कॉरसनिक एसिड आया, तो ई और डी का जो प्रोडक्ट है, जो एंजाइम है, वो इसको कन्वर्ट कर देगा, वो कॉरसनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा आर्थिलिक एसिड में, इसको कन्वर्ट कर देगा आर्थिलिक एसिड में.
वंस आर्थिलिक एसिड बन गया तो आर्थिलिक एसिड को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन एक्ट करेगा, सी वाला एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, इसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर देगा। वो चीज क्या होगी? वो चीज होगी इंडोल 3-glycerol phosphate। इंडोल 3-glycerol phosphate में इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। वंस यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है तो इसके बाद इसको फाइनली जो है कन्वर्ट कर देगा बी, और ए का प्रोडक्ट मिलके इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ट्रिप्टोफैन। इस तरीके से फाइनली ट्रिप्टोफैन बनता है, इस तरीके से फाइनली ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। सबसे पहले कॉरिस्निक एसिड को आर्थिलिक एसिड में किसने किया? ई और डी ने मिलके। फिर सी आया और उसने आर्थिलिक एसिड को इंडोल 3-glycerol में कन्वर्ट किया, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। फिर बी और ए के प्रोडक्ट ने मिलकर ट्रिप्टोफैन को बनाया। अब यहां पर ये जो ट्रिप्टोफैन है ये एक्ट करेगा एज अ को रिप्रेसर, ये अपने बनने को ही रोकेगा। ये क्या करेगा? अपने बनने को ही रोकेगा। सो व्हाट विल हैपन? यहां पर हमारा प्रेजेंट होगा एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर से आके जब एक बार को रिप्रेसर बाइंड करता है यानी कि ट्रिप्टोफैन बाइंड करता है तो उन दोनों को बोलते हैं होलो रिप्रेसर। ये होलो रिप्रेसर कैसा होगा? ये एक्टिव होगा, ये होलो रिप्रेसर होगा एक्टिव, और ये जाके बाइंड कर पाएगा ऑपरेटर रीजन से। ये जाके क्या कर पाएगा? ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर पाएगा। तो को रिप्रेसर ने ऐसा क्या किया कि एपो रिप्रेसर जाके आप बाइंड कर पा रहे हैं? तो यहां पर जब को रिप्रेसर इससे बाइंड करेगा उसकी वजह से एपो रिप्रेसर में आएंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें आ चुके होंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से अब वो जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में देखें तो इनिशियली ऑब्वियसली ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन को बनाना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? इनिशियल कंडीशन में ऑपरॉन रहेगा ऑन। वहीं अगर हम फाइनल कंडीशन में देखें तो ऑपरॉन हो जाएगा ऑफ, जो ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन है वो हो जाएगा ऑफ। ऐसे इफ वी टॉक अबाउट रिप्रेसर तो रिप्रेसर कैसा होगा? इनिशियल कंडीशन में रिप्रेसर होगा ऑफ, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम देखें फाइनल कंडीशन में रिप्रेसर हो जाएगा ऑन। तो हमने क्या किया? हम शुरू शुरू में तो ऑपरॉन को रिप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में हमने उसको रिप्रेस कर दिया, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन रिप्रेसिबल है, उसको हम रिप्रेस कर सकते हैं। और कैसा रिप्रेस कर सकते हैं? नेगेटिवली रिप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उस पर कौन एक्ट कर रहा है? रिप्रेसर एक्ट कर रहा है, इसलिए नेगेटिवली रिप्रेस कर रहा है। तो हमारा जो ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन है वो टोनर है, याद रख लेना, जो टोनर हम मुंह पे भी लगाते हैं वो वाले टोनर से आप याद रख सकते हो। तो क्या है? ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन इज नेगेटिवली रिप्रेसिबल, इसको हम नेगेटिवली रिप्रेस कर सकते हैं। इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है क्या होता है? टोनर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा लैक ऑपरॉन जो था वो इंड्यूसिबल था, ये कैसा है? ये नेगेटिवली रिप्रेसिबल है। यहां पर हमने एक मेथड देख लिया जिससे ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन को हम क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं कि वो बनेगा, ट्रिप्टोफैन बनेगा या नहीं बनेगा, ये रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं होता, ये जो लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट है ये लीडर सीक्वेंस भी क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है कि ट्रिप्टोफैन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। वो कैसे? यहाँ पर ट्रिप्टोफैन में पेयरिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। पेयरिंग सीक्वेंस मतलब ऐसे सीक्वेंस जो पेयर अप होके डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं, आरएनए में लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। सो व्हाट विल हैपन इज दैट यहाँ पे समझो आरएनए प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये जो पूरा सीक्वेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है? इसने आरएनए बनाया। तो इस ट्रिप्टोफैन का जो लीडर सीक्वेंस है उसके एमआरएनए की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है इसका आरएनए, यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसके लीडर सीक्वेंस में, इस आरएनए के लीडर सीक्वेंस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टोटल 4 रीजन्स होते हैं। टोटल कैसे रीजन्स होते हैं? 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट रीजन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है
सेकेंड से, यानी कि वो दोनों क्या कर सकते हैं, पेयर अप कर सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं। ऐसे ही जो सेकेंड वाला रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है थर्ड वाले रीजन से, यानी कि सेकेंड वाला फर्स्ट से भी पेयर अप कर सकता है और थर्ड से भी पेयर अप कर सकता है। वही थर्ड वाला जो रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है फोर्थ रीजन से, यानी कि ये किसके साथ पेयर अप कर सकता है, थर्ड वाला फोर्थ से भी कर सकता है और सेकेंड से भी कर सकता है। अब कौन किसके साथ पेयरिंग करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को ऑन रखना है या ऑफ करना है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें तो पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड पेयर अप कर लें और थर्ड और फोर्थ पेयर कर लें। फर्स्ट और सेकेंड ने पेयरिंग कर ली और थर्ड और फोर्थ ने पेयरिंग कर ली, ये पहली कंडीशन हो सकता है, ये पहला केस हो सकता है। वहीं अगर हम दूसरा केस देखें तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड ने पेयर अप कर लिया। अगर सेकेंड और थर्ड पेयर अप है तो फर्स्ट सेकेंड के साथ नहीं कर पाएगा और थर्ड फोर्थ के साथ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, कुछ इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी, सेकेंड और थर्ड ने पेयर अप कर लिया। तो अब ये स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर और ये स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर कब बनेगा, हम वो देखते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में एक बहुत स्पेशल चीज होती है कि उनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलता है, मतलब साथ साथ चलता है, उनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अलग अलग नहीं चलता है, सेम टाइम पे चलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो सब साथ में चल सकता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का क्या प्रेजेंट है, ये जीन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर बनने लगा इससे mRNA, यहाँ से क्या बनने लगा है, mRNA बन रहा है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन चालू है, ये DNA। यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन का फर्स्ट सीक्वेंस, सेकेंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस एंड फोर्थ सीक्वेंस। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में अगर ट्रिप्टोफैन अबंडेंट है, ट्रिप्टोफैन अबंडेंट है यानी कि ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट और हमें कोई जरूरत नहीं है ट्रांसक्रिप्शन करवाने की, तो यहाँ पर इफ यू हैव स्टडीड अबाउट बेसिक ट्रांसलेशन प्रोसेस, सो देन व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वन tRNA विल कम एंड दिस tRNA विल बी लोडेड विद अ ट्रिप्टोफैन। अगर ऐसा लोडेड tRNA बहुत सारे प्रेजेंट होंगे तो ये यहाँ पे आके बाइंडिंग कर पाएंगे, ये यहाँ पे आके क्या कर पाएंगे, ये यहाँ पे आके ऐसे बाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट है UGU, UGU जो कोडोन है वो ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम आया है, यहाँ पर जो राइबोसोम आया है वो ट्रिप्टोफैन के साथ tRNA को लेकर आया, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो कैसा चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। इसके कंटिन्यू चलने की वजह से फर्स्ट और सेकंड तो पेयर अप कर नहीं पाए, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं पेयर अप करेंगे, ना ही यहाँ पर सेकंड और थर्ड पेयर अप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन कंटिन्यू है, राइबोसोम जो है सेकेंड पे पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फर्स्ट एंड सेकेंड तो ऐसे ही प्रेजेंट है लेकिन थर्ड और फोर्थ क्या कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ कर लेंगे पेयरिंग। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की हो गई पेयरिंग और इन्होंने बना लिया स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्रेजेंट है DNA, ठीक है। अगर इस टाइप की स्टेम लूप फॉर्मेशन हुआ तो ये एक टर्मिनेशन का मैसेज देता है, ये क्या देता है, टर्मिनेशन का मैसेज देगा और ये स्टॉप कर देगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है और ट्रिप्टोफैन बनेंगे ही नहीं। हमें बेसिकली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को ही रोकना था, वो हमने रोक लिया, यहाँ पे वी हैव स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस लूप बनने की कंडीशन की वजह से। तो पहली कंडीशन ये है जब हमें स्टॉप करना था क्योंकि ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर हम केस टू की कंडीशन ले, अगर हम केस टू की कंडीशन देख लें जिसमें लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना होगा, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन।
सो यहाँ पे वंस अगेन क्या प्रेजेंट होगा, एक डीएनए प्रेजेंट होगा और उस डीएनए से क्या बन रहा है, उस डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे लीडर सीक्वेंस में फोर्थ थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट सेम वही कोडोन प्रेजेंट होंगे, सेम वही सब चीज़ें प्रेजेंट है जो हमने देखा। यहाँ पे भी फर्स्ट पे फिर से क्या प्रेजेंट होगा, यूजीयू प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो टीआरएनए है वो अनलोडेड होंगे, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होगा। और बहुत कम ऐसे होंगे जिनके पास लोडेड ट्रिप्टोफैन वाले टीआरएनए होंगे, तो ये केस में होंगे, ये वेरी लेस कंसंट्रेशन में होंगे, इनका अमाउंट जो है सेल में बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो एक बार राइबोसोम आया तो ये राइबोसोम क्या करेगा, ये राइबोसोम इतने सारे टीआरएनए को नहीं ला पाएगा जो लोडेड है, तो यहाँ पर अनलोडेड अगर टीआरएनए आ गए तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाए। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये जो राइबोसोम है ये इधर ही स्टक हो जाएगा। अगर ये राइबोसोम इधर ही स्टक हो गया, फर्स्ट रीजन पे ही स्टक हो गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रीजन, तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड रीजन है इसके बीच में हो जाएंगे पेयरिंग अप। सेकेंड और थर्ड रीजन कर लेंगे पेयरिंग अप, क्योंकि सेकेंड भी फ्री प्रेजेंट और थर्ड वाला रीजन भी जो है वो फ्री प्रेजेंट है। सो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, अगर ये वाला लूप बना तो ये सिग्नल होता है फॉर नॉन टर्मिनेशन। ये किसके लिए सिग्नल है, ये सिग्नल है फॉर नॉन टर्मिनेशन, और इसकी वजह से टर्मिनेशन नहीं हो पाएगी, सो दैट यहाँ पर कंटिन्यू होगा प्रोसेस दोनों के दोनों, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू चलेगा और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन भी कंटिन्यू चलेगा। सो ये होता है स्टेप नंबर टू। फर्स्ट जो स्टेप था वो ये वाला था, जिसमें अगर अबंडेंट अमाउंट में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, और इस तरीके से हम दो तरीके से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को रेगुलेट कर सकते हैं। एक जो होता है हमारा सिंपल प्रोसेस है, दैट इज बेस्ड ऑन दी रिप्रेसर, जो कि एपो रिप्रेसर के तौर पे, और ट्रिप्टोफैन एक बार उस पर आके बाइंड करेगा तो वो होलो रिप्रेसर बन जाएगा, और होलो रिप्रेसर एक बार बन गया तो वो ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड कर पाएगा। दूसरी जो कंडीशन होती है वो लीडर सीक्वेंस की होती है, जिसमें स्टेम लूप फॉर्मेशन होती है, जिसमें ये वाली जो है ये क्या कहती है, ये कंटिन्यू नहीं करने देगी प्रोसेस को, और ये क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, अगर इस टाइप की पेयरिंग हुई तो। वहीं ये वाली जो पेयरिंग हुई तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेशन वाला मैसेज और कंटिन्यूसली चलती रहेगी जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है। सो गाइज, आई होप आपको ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शोइंग सो मच ऑफ लव। Thank you so much, guys. Do not forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much, guys. Bye-bye.